तो ईयर्स में पूरा ऐसे वर्टिकली करने लगो, और एक काम करना जरूर कि हाथ के नीचे कुछ पेपर टाइप रख लो, वरना स्केच खराब ना हो जाए। तो ऐसा ऊपर से लेके नीचे पूरा एक बार में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इस तरीके पास पास करना, जिसमें अपन 2 ही से 3 लेयर देंगे, ठीक है? इस तरीके से करते हुए आएंगे। फिर अंदर के पोर्शन में भी ठीक है। अब तुम ये देखो कि डार्क कहाँ कहाँ है, ठीक है? कहाँ कहाँ अपन को सबसे ज्यादा डेप्थ की जरूरत है, तो लगभग हर जगह ही, ठीक है? तो सेकेंड लेयर की जरूरत तो हर जगह ही है। बस एक बार ध्यान रखो, जो अंदर एक शेप बन रहा है, ये बाय शेप बन रहा है, तो हल्का हल्का ये बाय शेप यहाँ ऐसे ड्रॉ कर लो, ताकि तुम्हें एक आइडिया रहे, ठीक है? तो अब हैचिंग करनी है अपन को, तो अपन डायगनल डायरेक्शन लेंगे। ये देखो थोड़ा थोड़ा इसके साथ मिक्स भी हो रहा है, तो हैचिंग ऐसे डायगोनल डायरेक्शन अब पास पास करना, और थोड़े प्रेशर के साथ करना। ये वाले हिस्से में भी अपन अगर हैचिंग देखें ध्यान से, तो वो डायगोनल ही कर रखा है। तो ठीक है, ये जो अंदर की लेयर है, जैसे ये वाली, इसकी जो आउटलाइन हो रखी है, इसे इस तरीके से थोड़ा डार्क तरीके से ड्रॉ करो, ठीक है? आराम आराम से ये डार्क ड्रॉ हो गया। बाहर की आउटलाइन भी कर सकते हो, जब वो आप वैसे भी अपन हेयर्स के लिए तो करेंगे, ठीक है? अंदर में भी अब तुम हैचिंग करो, लेकिन क्रॉस हैचिंग करो, थोड़े अलग डायरेक्शन ले सकते हो, ठीक है? मैंने दूसरे डायरेक्शन में लिया है, तो मैंने 2 डायरेक्शंस डाल दी, ठीक है? अब आते हैं सबसे जरूरी चीज, ये जो तुम्हें डेप्थ दिख रही है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, वो तुम कैसे कर सकते हो? जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में डालना स्टार्ट करो, छोटे से स्टार्ट करो, पीछे आते आते इस पे बड़े हो गए, और आसपास आगे आगे उनको हल्का हल्का फैला दो, ताकि वो ब्लेंड होते हुए दिखें, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे जो है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में डायगनल, तो देखो छोटे छोटे जा रहे हैं, ऊपर जाते जाते लाइट होते जा रहे हैं, बाहर की तरफ जो फिक रहे हैं, ये वाई बना रखा था, तो इसके इस साइड जितने हैं सब डार्क है, लेकिन अंदर अंदर जो जा रहे हैं वो थोड़े लाइट होते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, एक इफेक्ट सा आ रहा है। यहाँ यहाँ पे भी जो है, ठीक है, इस तरीके से, थोड़ा इस तरीके से डार्क डार्क हैचिंग अपन आराम आराम से करते जा रहे हैं, ठीक है? थोड़ी हैचिंग डार्क यहाँ पे भी है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपन जो थर्ड सेकेंड लेयर कर चुके उससे थोड़ा अपोजिट रखने में कोशिश रखो, ठीक है? तो ईयर्स भी हो जाते हैं, बस तुम्हें क्या करना, थोड़े जो हाइलाइट्स हैं ऐसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ रहा हाइलाइट, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आ रहा है, तो उस तरीके से तुम्हें वो करना है, और ईयर कंप्लीट हो जाता है। अपन ने ड्रॉ किया था, तो यहां से हैचिंग करना स्टार्ट करो, ऐसे नीचे से, ओके? यहां से ऐसे धीरे धीरे, और देखो पास पास रखना, ऐसा नहीं है कि यहाँ इस वाले एरिया में कर नहीं सकते, जैसे इसमें देखो थोड़ा थोड़ा करना है, यहाँ पे एकदम भरना नहीं है पूरे को, थोड़ा थोड़ा छोड़ के रखो, इस तरीके से अपन करते जाएंगे। तो देखो ये वाले एरिया में मैंने जैसे एक एंगल पे किया है हैचिंग, ठीक है? अपनी रेफरेंस में भी वैसे ही कुछ है, अभी रेफरेंस वाला हिस्सा ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ऊपर जाते जाते ऐसा नहीं कि यहां से
निकले तो यहाँ पे पहुंच गए, नहीं ये एक अपने को डिस्टेंस बना के चले गए यहाँ से, ठीक है। ऊपर से भले ही आ रहा है, ठीक है, इस तरीके की आई, सेम चीज यहाँ पे होगी, लेकिन अब थोड़ा एंगल बदल लो, तो थोड़ा एंगल ऊपर की तरफ रखो यहां से, ठीक है, हल्का सा एंगल बदला अपन ने अपने डायगनल में, और थोड़े से देखो एक एक ऐसे लाइन बनाने की जरूरत नहीं है कि एक एक बना रहे हो, उसमें क्या होता है गैप ज्यादा आ जाता है, फिर फ्लो में बनाते जाओ, ठीक है। कोशिश करना चेहरे पे नहीं जाए स्ट्रोक्स अपने, और यहाँ ऐसे मिक्स हो गए स्ट्रोक्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे, तो यहाँ पे अब थोड़े और अपन इस तरीके से डायगनल लगाएंगे, जैसे ये लगाए थे यही डायगनल, ये करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, अपन को बहुत ज्यादा ऐसे यहाँ से लेके यहाँ एक्सपेंड नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा जो वी शेप रहता ना नेक के बीच वाला वो जरूर करना है। तो ये छोटे हुए, अब धीरे धीरे स्ट्रोक्स ऊपर जाते जाते थोड़े बड़े होते जाने, तो उससे क्या होगा वो जो वी शेप आता है अपसाइड डाउन बॉटल नेक वाला, तो वो अपन को मिल जाएगा। तो वो करते करते धीरे यहाँ आ गए, देखो ये वाले एक दूसरे में क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है। तो बस इस तरीके से हो गया अपना, यहाँ पे भी एक डायरेक्शन डाल दो सेम तरीके करते करते, देखो यहाँ पे थोड़े हाईलाइट है तो यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, डायरेक्ट यहां तक नहीं ला रहा हूं, ऐसे करते करते मैंने पूरा नेक थोड़े से वेरिएशन से, जैसे ये यहां पे है, इस बगल वाले का एंगल थोड़ा ऊपर है, इसका एंगल से थोड़ा नीचे, इसका एंगल भी लगभग लगभग, ऐसा नहीं किया कि यहां से यहां तक पूरा एक है, थोड़ा डिफरेंट भरा है बस मैंने, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करके तुम भी भरो। तो सेकेंड लेयर देखो अपोजिट साइड ऑफ डायरेक्शन आ रही है अपनी, तो यहाँ यहाँ पे अपन देखो पूरा यहाँ से यहाँ ले जाने की जरूरत नहीं होती है, तो ये है तो थोड़ा बस पास पास रखना है और थोड़े प्रेशर के साथ रखना है, ठीक है, इस तरीके से करते हुए। फिर थोड़ा ऊपर की तरफ एंगल आ जाएगा अब यहाँ पे, अब ऐसा नहीं है कि मैं यहां से लेके यहाँ पे ऐसे छोड़ दे रहा हूं, मैं इनको भी क्रॉस कर रहा हूं ताकि वो एक दूसरे में घुल मिलते हुए दिखे, अगर मैं यहाँ से ऐसे छोड़ने लग गया तो ये अजीब सा लगेगा, तो वो मैं नहीं चाहता, ठीक है। अब यहाँ देखो थोड़ा एक अलग डायरेक्शन आ रही है, अभी नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से एक्स शेप में आ रहा है, तो यहाँ से ऊपर जा रहे ये लोग इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये जा रहे इस डायरेक्शन में पूरा ऊपर ऊपर। मैं पहले पूरा एक पार्ट करके बता रहा हूँ, लेफ्ट वाला जो पूरा डेप्थ का है, बाकी सब तो आसान है, ठीक है। अब इसमें उतनी डेप्थ लग नहीं रही है, अपन एक तो ये वाला हिस्सा हुआ जो नेक वाला एरिया, ये अपन करना है, तो अपन को एक और डायरेक्शन ऐड करनी, सबसे बेस्ट क्या रहता है वर्टिकली एक डायरेक्शन ऐड कर दो, वर्टिकल हैचिंग कर दो, ठीक है, ये भी सेम चीज, अब यहां यहां पे भी करना है अपन को वर्टिकल हैचिंग। बस एक बार ध्यान रखो ये वाला जो एरिया आता है ईयर और इसका, यहां से थोड़े डार्क स्ट्रोक्स निकालो नीचे की तरफ से डार्क टू लाइट जाते हुए, ताकि जो तुम्हें डार्क एरिया दिख रहा है वो अपना बन जाए, ठीक है। इधर नेक के पास जो है ये थोड़ा डार्क रखो, और उसके जैसे जैसे दूर ले जाते जा रहे हो थोड़ा सा लाइट करना, उससे क्या होगा डार्क लाइट की जो ब्लेंडिंग चाहिए अपन को वो यहाँ पे अपन को मिल जाती है, ठीक है। थोड़ा एक और काम कर सकते हो, जैसे ऊपर की तरफ
डार्क टू लाइट जो स्ट्रोक्स आते हैं ना, इस तरीके से धीरे धीरे जो स्ट्रोक्स लगा रहे हैं अपन, वो लगा सकते हो, ठीक है, ताकि जो नेक के पास वाला एरिया है, ये वाला बॉर्डर के पास, ये डार्क लगे। इस तरीके से अपन का एक पोर्शन हो जाता है। तो इतना करो, तो ये वाले पे आते हैं हम। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ कर चुके हैं इस डायरेक्शन में अपन, तो क्या डायरेक्शन बचती है, नीचे वाली। तो पास पास करते जाओ और थोड़े प्रेशर के साथ करते जाओ, ठीक है। ये वाले हिस्से में थोड़े थोड़े ही आएंगे, और इस तरीके से करते करते ये ऊपर गए, ठीक है। अब ऊपर देखो, ऊपर से डार्क टू लाइट आ रहा है नीचे, तो तुम्हें क्या करना है, डार्क स्ट्रोक्स लगाओ इस तरीके से, और नीचे आते आते उन्हें थोड़ा लाइट करते जाओ, ठीक है। सेम चीज यहां पे करेंगे, यहां पे भी भाई अपोजिट डायरेक्शन में परपेंडिकुलर जाएंगे अपने हैचिंग वाले स्केच। अब जैसे ये वाली एरिया आता है जो मैंने इरेज करा था, ठीक है, ये जो यहाँ पे बनाने के लिए, उनके ऊपर एक काम करो, हल्के हल्के से हैचिंग कर दो, थोड़े दूर 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 गैप के साथ, और फिर उसके आसपास, ऐसा नहीं कि तुम्हें पर्टिकुलरली एक बॉर्डर लगा के छोड़ना है, लेकिन एक एस्टिमेटेड एरिया के हिसाब से। सेम तरीके से अपन ये जो है इसी के पूरे एरिया के परपेंडिकुलर अपन यहाँ पे हैचिंग करते जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाला डार्क एरिया एक आता है, ठीक है, ये थोड़ा गैप आया ये, और फिर यहाँ तुम्हें क्या करना, इस तरीके से थोड़े डेप्थ में स्ट्रोक्स दो, नीचे आते आते लाइट हो गए, ठीक है। अभी ये वाले पोर्शन पे आते हैं, पहले इसमें एक और लेयर बचती है, दो लेयर हो गई हैं, अपन ने ज्यादा कुछ नहीं किया, जो पहले लेयर थी उसी के परपेंडिकुलर डाला। अब तुम्हें क्या करना, वर्टिकल, तो ऊपर से नीचे जो स्ट्रोक्स लगा रहे हो चिन वाले पोर्शन से, जॉलिन वाले पोर्शन से, वो डार्क टू लाइट आएंगे ऐसे, देखो। उससे क्या होता है, जो डेप्थ चाहिए वो आ जाएगी अपन को, और फिर बाकी वाले स्ट्रोक्स इस तरीके से धीरे धीरे एक दूसरे में ब्लेंड करने के। ऐसा नहीं कि तुम इतने से इतने एरिया में लगाए जा रहे हो, नहीं, उन्हें पर्टिकुलरली पूरे में लगाओ, ताकि वो एक दूसरे में ब्लेंड हो जाए, ठीक है। हल्के हल्के थोड़े यहाँ पे भी लगाओ, ये हाईलाइट वाले पोर्शन में जो छोड़े थे वर्टिकल, ये वाले में जो डेप्थ डाली, तो यहाँ पे भी डार्क टू लाइट डालो, ठीक है। तो जो अपन को थोड़ी डेप्थ चाहिए होती है वो आ जाती है यहाँ पे, देखो डेप्थ चाहिए, ऐसे ऊपर की तरफ वर्टिकल स्ट्रोक्स लगाओ, नीचे नीचे से ऊपर जाते हुए, ठीक है, और थोड़े इस डायरेक्शन में लगा दो, ताकि उसमें भी हैचिंग हो जाए और डेप्थ बनी रहे। अपन को यहाँ अच्छी खासी थोड़ी डेप्थ चाहिए, तो अपन को वो डेप्थ मिल गई, ठीक है। तो इतना